बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है सर। प्रत्याशी घोषित किया बार बार नहीं बदला जाए। शिवपाल एक बढ़िया प्रत्याशी थे, लेकिन केवल इसलिए उनको यहाँ से वे जा रहे हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊँ। उनकी प्रतिष्ठा पर दाव लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि यहाँ से मेरा बेटा जो है चुनाव लड़े। मैं तो केवल धर्मेंद्र या शिवपाल यादव होते, अब बच्चे आए, बच्चे तो हम क्या जाने, जब हमारे सामने आ रहा बच्चा तभी तो हम जाने नहीं उसकी। बदायूं में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा से दुर्गजय सिंह को साख को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। इधर जो है समाजवादी पार्टी से शिवपाल प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी भी असमंजस बरकरार है। चाचा शिवपाल कहते हैं कि युवाओं की पसंद है तो युवा लाया जाएगा। उनका इशारा है कि आदित्य प्रत्याशी हो सकते हैं। इसको लेकर हम इस सैलून पर मौजूद हैं, बदायूं के आवाम से जानते हैं कि क्या है आम जनता की राय। तो हमारे साथ कुछ वयोवृद्ध लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या है जनता की जनता की राय यह है कि एक बार प्रत्याशी घोषित किया बार बार नहीं बदला जाए। शिवपाल एक बढ़िया प्रत्याशी थे, लेकिन केवल इसलिए उनको यहाँ से वे जा रहे हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊँ। उनकी प्रतिष्ठा पर दाव लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि यहाँ से मेरा बेटा जो है चुनाव लड़े। तो समाजवादी पार्टी लगातार मेरठ और अन्य जगह भी जो है प्रत्याशी बदलने की बात सामने आई, तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र यहाँ से मजबूत रहते, चाचा शिवपाल या फिर बेटा आदित्य? धर्मेंद्र यहाँ से मजबूत रहते, लेकिन शिवपाल भी उनसे कम नहीं है। शिवपाल एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सपा के। जो चीज सामने आई है कि जो है कुछ जैसे आबिद रजा कुछ दिन पिछले दिनों जो है खपा रहे, और क्यों खपा रहे इसको लेकर भी कुछ प्रतिक्रिया दे। ये अपने स्तर की बात है उनकी, लेकिन वो आबिद रजा कह रहे हैं कि हम अगर ये शिवपाल लड़ते तो मैं हम उन्हें लड़ाते। तो चाचा धर्मेंद्र के जो है क्या मानते हैं आपकी चाचा जो है मुकाबला धर्मेंद्र की वजह अच्छा मुकाबला होता? कतई नहीं। धर्मेंद्र धर्मेंद्र का विरोध यहाँ पर था, आबिद रजा भी विरोध में थे, और जो पुराने मतलब जो विधायक रहे हैं वो भी उनके विरोध में थे, इसलिए धर्मेंद्र का जितना यहाँ से नामुमकिन था उन्हें इसी लिए बदला गया। तो लगातार इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का कुछ विरोध यहाँ हो गया था, जैसे कि आबिद को लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी आम जनता की। आप क्या कहेंगे चाचा से पाल या आदित्य को लेकर कौन दमदार है? मैंने तो जो अभी कहा था वही मैं कह रहा हूँ। ऐसा था, ऐसा है सर, मैं तो केवल धर्मेंद्र या शिवपाल यादव होते, अब बच्चे आए, बच्चे तो हम क्या जाने, जब हमारे सामने आ रहा बच्चा तभी तो हम जाने नहीं उसकी। तो आप दमदार किसे मानते हैं, धर्मेंद्र को या धर्मेंद्र को और शिवपाल को? धर्मेंद्र का टिकट तो कट चुका है अब इस बार के लिए, तो मैं कह नहीं सकता सर। अब आदित्य का भी नाम सामने आ रहा है। मैं तो केवल इस बात के लिए कह सकता हूँ, वो बच्चा है, 2-8 महीने पहले ढूंढता तो मालूम पड़ती थी, हाँ जब हमारा बेटा है या भतीजा है या हमारे भैया का लौंडा है तो अरे कोई कदम बढ़ाते। 2-3 महीने पहले इनका कहना है कि अगर आदित्य जी घूमते तो आगे बढ़ाते कदम, जो प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल साहब, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशियों का लगातार बदलाव होना एक तरीके से पार्टी में हलचल सी है, और यहाँ पर जो थे शिवपाल यादव जो है वो ज़्यादा मजबूत दावेदार थे, अब उनके बेटे भी हैं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है सर। बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी बदल रही है लगातार एक के बाद एक, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये तो उनके निजी स्तर की बात है सर, क्यों बदल रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते कुछ भी इसके बारे में। कुछ असर पड़ेगा चुनाव? असर तो सर पड़ना चाहिए, असर तो पड़ेगा, क्योंकि जब बाप सामने खड़ा होता है तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है सब। ठीक है, जनता क्या सोचती है? जनता भी वही सोचती है सर, जनता क्या सोचेगी, बार बार प्रत्याशी बदलना एक तरीके से जनता के मन में भी साहब ये लगता है कि पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों बदल रहे हैं साहब। बिल्कुल, जनता जो है के दिमाग में भी चक्कर रहता है कि आखिर बार बार प्रत्याशी क्यों बदले जा रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस सैलून पर मौजूद हैं, बताएं बदायूं से हैं आप? जी हाँ, बदायूं जो समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी बदल रही है, जो उनके परिवार में कोई नूरा कुश्ती चल रही है, वो जनता को समझ आ रहे क्या कर रहे हैं। कभी सुबह को कहते हैं प्रत्याशी कोई और है, शाम को होता है कि शिवपाल आ रहे हैं, शाम के बाद सुबह को मालूम पड़ रहा है कि शिवपाल के बेटे आ रहे हैं, तो इसलिए इससे बहुत
असर पड़ेगा पार्टी पे, समाजवादी पार्टी पे। और ये अभी आज तक क्लियर ही नहीं, यहाँ की बिसोल की बात नहीं, बदायूं की बात नहीं हो रही, हर जगह की बात, ये कहीं अभी कैंडिडेट अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, भाजपा से यहाँ जो है दुर्गविजय साहब, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? उनकी दमदारी मजबूत मानते हैं? जी, इस समय तो मैं भाजपा की दुर्गविजय सिंह साके जी की दमदारी मजबूत मानता हूँ। अच्छा, शिवपाल जी की दमदारी को और बेटा आदित्य की? नहीं, आदित्य की जगह शिवपाल जी होते तो फाइट अच्छी होती, ये जो है फाइट अच्छी होती। मगर जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी? जनता जो विकास है, मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, उसके मुद्दे पे वोट करेगी। और थोड़ा समाजवादी पार्टी में ये है, वो एक वर्ग को लेकर साथ चलते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना होगा जो मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, और उनके साथ उनके घर वाले से तो मिल रहे हैं, मुख्तार अंसारी जी के परिवार से मिल रहे हैं, मगर जो बदायूं में दो बच्चे जो उनकी निर्मम तरह की हत्या हुई, उनके परिवार से ना तो आज तक कोई पार्टी के कोई नेता मिला है, ना किसी की अभी तक कोई इसका किसी बयान आया। बहुत गंभीर मुद्दा, दिल को झंझोर देने वाला इन्होंने उठाया कि बदायूं दोहरे हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधी उंगली उठाई है बदायूं के आवाम जो है ये जनता ने। तो आखिर एक माफिया को लेकर जो है संवेदना है, तो इस दोहरे हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया को लेकर ये जो है सवाल उठा रहे हैं। सुनील मिश्रा, NBT बदायूं।